नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन के लिए तुम खास हो। जय श्री राधे। जानते हैं ना आज कौन सा महत्वपूर्ण दिन है? वो जो ऊपर वाले की सबसे सुंदर कारीगरी थी ना, आज उन्हीं सब का दिन है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ महिला दिवस की। आप सभी माताओं को मेरी ओर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी विमेंस डे। मैंने कहीं एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी, वो हर किरदार के लिए तैयार है लेकिन उसका स्त्री होना ही काफी है। यानी एक महिला, एक वो शक्ति जो पूरे विश्व में अपनी शक्ति से सबको प्रकाशित कर रही है। नारी, महिला, कन्या, ये वो शब्द हैं जिन शब्दों को सुनते ही हमारे मन में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी शक्तिवान महसूस करने लगते हैं। वैसे तो हर दिन नारी का है, हर दिन एक महिला का है, वो हर किरदार से हर दिन को सुंदर बनाती है। लेकिन आज का एक विशेष दिन, जब आपको मौका मिलता है, आप अपने घर की, परिवार की, देश की या विश्व की महिलाओं को उनकी महत्वता क्या है आपके जीवन में ये एहसास करा सके, आप उन्हें बता सके कि आपके ही कारण इस विश्व में कितनी सुंदरता है, आपका स्वभाव, आपकी दिनचर्या, आपके कर्म से ही इस धरती पर सुंदरता है। एक महिला एक मकान को घर बनाती है, चाहे माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, मित्र हो, नारी हर रूप में सुंदर लगती है। एक शब्द जो अधिकांश हम सुनते हैं वो है महिला सशक्तिकरण। यानी जहां महिलाओं के विषय में बहुत सारी बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले महिला को अपने आप पर ही विश्वास करना होगा, अपनी शक्ति को पहले खुद पहचानना होगा। क्योंकि दुनिया आपका सम्मान तभी कर सकती है जब आप अपने आप को जान पाए, आप अपनी शक्ति को पहचान पाए। हर महिला शक्तिवान होती है, बस आवश्यकता होती है उसको अपनी शक्ति को पहचानने की। जितनी भी महिला आज मुझे सुन रही हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने अंदर छुपे हुए उस विश्वास को बनाए रखिए, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानिए और अपने महत्व को पहचानिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष के साथ होड़ लगाते लगाते आप अपने अस्तित्व को भूल जाए। कई बार हमें यह भी सुनने को मिलता है कि महिला को मर्यादा में रहना चाहिए, उसको मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए, और इस बात को सुनकर के आजकल के समय में कुछ महिला आपत्ति भी उठाती है कि हम पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन मैं आज एक छोटी सी चार लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें बहुत सुंदर बात कही है, सृष्टि की रचना में अगर साझेदारी कर सकती है, इसका अर्थ है कि शक्ति शिव की अवतारी कर सकती है, पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। एक नारी एक जीवन को जन्म देती है। इस दुनिया में मनुष्य को आने के लिए एक नारी का होना अति आवश्यक होता है। जो नारी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मौलिकता को ना खोएं और अपनी निजता को, अपनी मर्यादा को
बनाए रखें। मैं आप सभी महिलाओं के उच्च भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कहीं भी किसी भी देश में विश्व में नारी पर अत्याचार न हो, नारी के साथ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए सभी पुरुषों से भी प्रार्थना करती हूँ कि नारियों का सम्मान करें और जो आदर उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो आदर उन्हें अवश्य दें। और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए अपने घर की महिलाओं का उनके काम में हाथ भी बटाएं। वैसे भी आज संडे है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज उन सभी माताओं को अपने घर पर बिठा करके प्रेम से उनको सम्मान दें, उनको ये महसूस कराएं कि तुम दिन के 24 घंटे हमारे लिए काम करती हो, आज हम आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नारी को किसी बहुत महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनको आवश्यकता है आपके सम्मान की, आपके प्रेम की। अपने घर की सभी महिलाओं को आज बहुत स्पेशल महसूस कराएं। इसी निवेदन के साथ आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे।